हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड टॉक ऑफिशियल। तो आज की हमारी रेसिपी है डलगोना लाटे। तो देखिए, मैंने सॉस पैन के अंदर हाफ कप पानी लिया है ताकि मैं डलगोना कैंडी जो है वो बना सकूं, और इसको मैं स्टोव पे रख के इसमें शुगर ऐड करूंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल। कप पानी के अंदर मैंने यहाँ पे शुगर ऐड की है। बहुत ज़्यादा मुझे कैंडी नहीं चाहिए डलगोना लाटे के अंदर। टॉपिंग के लिए डलगोना कैंडी यूज़ की जाती है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकाएंगे, ये जलना नहीं चाहिए। आपके सामने देखिए, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसका प्रोसीजर बता रही हूँ। शुगर को डिसॉल्व करेंगे, इसको कंटिन्यूसली हम स्टिर करते जाएंगे ताकि इसकी जो शुगर है वो डिसॉल्व हो जाए। और जब तक हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज होके लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। अभी ये लो फ्लेम पे पक रहा है और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। अभी ये इसको थोड़ा टाइम लगेगा जो ये थोड़ा सा ब्राउन शेड में आ जाएगा और ये आपका जो मिक्सचर है ये भी थोड़ा थिक हो जाएगा। डलगोना कैंडी के बारे में मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये कोरियन स्ट्रीट फूड है जो कि बहुत फेमस है वहाँ पर, और अक्सर डेजर्ट्स वगैरह में भी आपने इसे देखा है, जैसे डलगोना कॉफ़ी, डलगोना लाटे। ये इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं लेकिन नथिंग हैपेंड, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा सा देखिए येलोइश हुआ है, लेकिन अभी ये थोड़ा और पकेगा। इसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है इस प्लेट को, क्योंकि जैसे ही ये कम्प्लीट होगा हम इसको सबसे पहले डिश आउट करेंगे। तो देखिए, ये अब बहुत तेज़ बबल्स में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाऊं, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है ताकि ये और थोड़ा सा डार्क येलोइश कलर में आ जाए डलगोना कैंडी के अंदर। इसके अंदर अब हम आगे स्टेज पे इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल करेक्ट स्टेज पे ऐड करना है, वरना ना ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन होना चाहिए। इसका परफेक्ट कलर आए तभी इसका परफेक्ट टेक्सचर आएगा और ये बहुत ज़्यादा कड़वी भी नहीं लगेगी। तो देखिए, इट टर्न्स गोल्डन ब्राउन शेड, और इसको 2 सेकेंड और बस, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। स्टोव पे से इसको हटा देंगे और फिर इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। डिश आउट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, डलगोना कैंडी बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है। हार्ड सेट करने के बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ी डलगोना कैंडी ऐड कर रहे हैं। देखिए, डलगोना कैंडी हमारी बहुत अच्छे से कलर इसका आ गया है। अब हम इसके अंदर एक्सप्रेसो शॉट ऐड करेंगे। अब हम इसमें मज़ीद डलगोना कैंडी ऐड कर रहे हैं, बड़े पीसेस कुछ, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि डलगोना कैंडी कोरियन स्ट्रीट फूड है जो वहाँ बहुत शौक से खाया जाता है और डेजर्ट्स वगैरह में भी यूज़ होता है। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक डलगोना कैंडी का और डलगोना लाटे का। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।